बड़ी खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में बीजेपी नेता, बीजेपी शहर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणे की हत्या हो गई है। और इस हत्याकांड मामले में अब गुस्साए परिजन ने आरोपी के घर में आग लगा दी। आरोपी के घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों में भी आग लगा दी। आरोपी के घर के बाहर काफी नुकसान किया। देर रात, आपको बता दें, गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या की गई, मोनू कल्याणे। और दो आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। दो हत्यारे ने मोनू की हत्या कर दी, पुरानी रंजिश के कारण। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी दी है कि हत्या की गई है। बीजेपी शहर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणे की हत्याकांड मामले में अब खबर मिल रही है। गुस्साए परिजन ने थाने के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी, उन्हें भी आग लगा दिया। और घर के सामने काफी संख्या में परिजनों ने पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। तो ये तस्वीर उस बीजेपी नेता की है, इंदौर शहर उपाध्यक्ष हैं। और आकाश विजयवर्गीय, जो इंदौर 3 से विधायक है, उसका समर्थक है मोनू, और उसकी हत्या की है हत्यारों ने। दो लोग बताए जा रहे हैं, दो आरोपी जिन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इंदौर के चिमनबाग चौराहे पर देर रात गोली मारकर मोनू कल्याणे की हत्या की। इस खबर पर और अधिक जायजा लिया मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणे की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने जो आरोपी अर्जुन और पीयूष का नाम आ रहा है, उसके घर को जला दिया है। उसके घर के सामने जो पड़ी हुई पूरी गाड़ियां थी, वो गाड़ियां जलाई हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि कल रात की पूरी घटना बताया जा रहा है कि मोनू कल्याणे जो है वो हर साल भगवा यात्रा निकालते थे, और उसी दौरान रात को 3 बजे वो इसी से बाहर की ओर मेन रोड पर भगवा झंडे लगा रहे थे। इसी दौरान अर्जुन और उनका साथी जो पीयूष है, वो एक बाइक पर आए और कितने समर्थक लाना है, क्या करना है, ऐसी बातों में उनको उलझाकर उन्हें गोली मारी। जो उनके साथ के समर्थक, उनके दोस्त थे, उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई। फिलहाल जो परिजन हैं वो गुस्साए हैं, और उन्होंने, आप देखेंगे कि जो ये उसका घर है, आरोपी पक्ष का घर है, उसके पूरे घर को जला दिया गया है। नीचे की ओर अगर आप यहाँ देखेंगे तो उस आरोपी के घर के बाहर जो खड़ी हुई गाड़ियाँ हैं, पूरी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर जला दी हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में परिजन हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मोनू जो है वो काफ़ी जुझारू कार्यकर्ता था, काफ़ी समर्पित कार्यकर्ता था, और इसीलिए पुलिस और प्रशासन को इसके लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो बीजेपी के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय से लेकर कैलाश विजयवर्गीय के कट्टर समर्थक रहे हैं, और इसलिए कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस पूरे मामले में एक सख्त कार्रवाई के निर्देश जो है पुलिस प्रशासन को दिए हैं। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज, सिसोदिया, इंदौर। विजयवर्गीय परिवार के समर्थक मोनू की गोली मारकर देर रात इंदौर के चिमनबाग चौराहे पर हत्या की गई है। आपसी रंजिश फिलहाल ये प्रारंभिक तौर पर कारण इस घटना के पीछे सामने आया है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है, और इस पूरी वारदात के बाद अब मोनू के परिजन काफी नाराज हैं। मोनू ने आरोपियों के घरों के बाहर जो गाड़ियां थी, उनमें आग लगा दी, काफी नुकसान पहुंचाया। घरों में भी शीशों में देखिए आप, पत्थर मारकर उन्हें फोड़ा गया है। आरोपी के घर के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।